नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूज टाइम्स का प्रयास लाया रंग। NH-75 की दुर्दशा से सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने संसद को कराया अवगत। NH-75 का निर्माण तत्काल कराने की सरकार से रखी मांग। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चल रही है लाभुकों के चयन की प्रक्रिया। 30 सितंबर तक होगा लाभुकों का चयन। 15 नवंबर से शुरू होगी योजना। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान। मास्क, हेलमेट और अन्य कागजातों की हुई जांच। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिला से गुजरने वाली NH-75 की दुर्दशा की खबर न्यूज टाइम्स पर दिखाए जाने का एक बार फिर असर देखने को मिला। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने NH-75 की दुर्दशा का मुद्दा लोकसभा में उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अविलंब NH-75 के निर्माण की मांग रखी है। सांसद गीता कोड़ा ने केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया कि यह सड़क राजस्व के मामले में केंद्र सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि 6 सितंबर को न्यूज टाइम्स में NH-75 की दुर्दशा की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए सांसद गीता कोड़ा ने सदन में अपनी बात रखी और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान झारखंड के NH-75E सड़क की ओर दिलाना चाहूँगी। यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राजधानी रांची से होते हुए बंदगांव, चक्रधरपुर, चैबासा, जैंतगढ़ होते हुए ये उड़ीसा को जोड़ती है। और ये आज के समय में इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ से पैदल आना जाना यानी कि जान हथेली पर लेके चलना। और क्योंकि ये सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस सड़क के माध्यम से, क्योंकि हमारा वो क्षेत्र माइनिंग इलाका है और यहाँ से हजारों हजारों टन उड़ीसा और सरंडा के जंगल से सड़क के रास्ते होते हुए लौह अयस्क जाती है। और ऐसे स्थिति में इस सड़क का निर्माण होना अति आवश्यक है। सरकार ने इसे 4 लेन टेकअप कर लिया है, लेकिन अब भी सिर्फ रिपेयरिंग वर्क हो रहा है। मैं क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी आक्रोश में है और आंदोलन करने को मजबूर हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगी कि सड़क को अविलंब बनाया जाए। आदिवासी उराव समाज संघ क्षेत्रीय कमेटी और कुल्हान डिजिटल लाइब्रेरी की ओर से कार्तिक उराव पुस्तकालय में उच्च शिक्षा के लिए कंप्यूटर और पुस्तकें दी गई हैं, जिसका लोकार्पण उराव समाज के अध्यक्ष संचु तिर्की, सचिव अनिल लकड़ा, जमशेदपुर के सार्जेंट मेजर रांदो देवगम, सदैव किसपोट्टा और शिक्षक कृष्ण देवगम ने किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए उराव समाज के अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान अति आवश्यक है। सचिव अनिल लकड़ा ने कहा कि नशा से परहेज और पुस्तकालय में समय का सही उपयोग करके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। समाहर नाले के ग्राउंड फ्लोर में सोमवार से आधार सेवा केंद्र शुरू किया गया है। आधार सेवा केंद्र में आधार से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है। केंद्र में नया आधार, आधार में पता अपडेट, फोटो, बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल आधार डाउनलोड और कलर प्रिंट करने का सुविधा लोग ले पाएंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी जयदीप तिग्गा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लोगों का चयन प्रक्रिया जारी है। यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। योजना की शुरुआत 15 नवंबर से होगी। योजना के तहत वैसे लाभुकों का चयन किया जाएगा जिनको 1 रुपया प्रति किलो चावल दिया जाएगा। प्रति सदस्य 5 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा। लाभुकों को हरे रंग का राशन कार्ड दिया जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण की 2 योजनाएं चल रही हैं। अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभुकों को 25 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार प्रत्येक माह दिया जा रहा है,
वहीं पूर्व वितिका प्राप्त गृहस्थ योजना जिसके तहत 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के 15 लाख लाभुकों को प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमा 1 रुपया प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2020 से होगा। इसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन लिया जाएगा। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आते हैं, इनका चयन प्रक्रिया अभी चल रहा है, जो 30 तारीख तक चलेगा, इस माह का 30 तारीख तक, और इसका शुरुआत होगा 15 नवंबर को। 15 नवंबर से इसका शुभारंभ होगा। यह वैसे लाभों का चयन किया जाएगा जिनको 1 रुपया प्रति किलो चावल दिया जाएगा और 5 केजी प्रति लाभुक को मिलेगा प्रति मेंबर। ये ग्रीन कार्ड का तहत इसको बनेगा, स्पेशल दिया जा रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आच्छादित होंगे, जिनको मिल रहा है उनके अलावा ये लोग होंगे, इसमें आच्छादित किया जाएगा। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन, सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। पूरे विश्व में कोरोना के कारण लोगों का हाल बदहाल है। कई देशों के बीच युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई है। पूरे विश्व में अशांति की काली छाया पसरी हुई है। इसी बीच भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा ने आज विश्व शांति दिवस मनाकर लोगों के जीवन में शांति और सौहार्द लाने की उम्मीद की। चाईबासा इप्टा के संस्थापक तरुण मोहम्मद के आवासीय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान परवेज आलम ने शांति के लिए उठे कदम और प्रभाकर तिवारी ने आदमी में प्यार होगा शांति आ जाएगी, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है, इस तरह की गीतों के माध्यम से शांति और अमन चैन से जिंदगी बसर करने का संदेश दिया। इप्टा के अध्यक्ष कैसर परवेज ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दशक पहले यह दिन सभी देशों और उनके निवासियों में शांतिपूर्ण विचारों को सुदृढ़ बनाने के लिए समर्पित किया था। सचिव संजय कुमार चौधरी ने कहा कि शांति और भाईचारा की स्थापना करना ही आज के समय की मांग है। संस्थापक तरुण मोहम्मद ने कहा कि आज वैश्विक महामारी के कारण दुनिया के लगभग सभी देश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं,
ऐसी विकट परिस्थिति में उन्हें युद्ध उन्माद की स्थिति पैदा करने के बजाय परस्पर सहयोग करके विश्व शांति की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाना चाहिए। ये जो विश्व शांति दिवस का आयोजन है, ये संपूर्ण विश्व में शांति, सद्भावना, एकजुटता और सौहार्द की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूरे विश्व में आज वैश्विक महामारी के काल में अशांति, युद्धोन्माद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में ज़रूरी है कि पूरे विश्व के आवाम को एक ऐसा संदेश दें ताकि वे लोग ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं आज महामारी के संकट काल में, उससे निपटें, कैसे निपटा जाए और निपटकर एक शांतिपूर्ण व्यवस्था की, शांतिपूर्ण समाज की स्थापना कैसे की जाए, इस पर प्रयत्नशील हों। ये हमारे समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे राजनीतिज्ञों की भी जिम्मेदारी बनती है, समाज के तमाम तबके की ये जिम्मेदारी बनती है कि पूरा विश्व, पूरा समाज, मानव समाज में शांति की स्थापना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आज समापन कार्यक्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 43 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन पूर्ति, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक सहित अन्य नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कुणाल सारंगी ने कहा कि रक्त का कोई विकल्प नहीं होता है, जो व्यक्ति रक्तदान करता है वह जीवन का सबसे बड़ा दान करता है। आपके द्वारा किए गए रक्तदान से किसी के जीवन की रक्षा होती है, रक्तदान करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। कुणाल सारंगी ने सेवा सप्ताह के दौरान युवा मोर्चा द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए बधाई दी। चक्रधरपुर शहर में सोमवार को सड़क सुरक्षा को लेकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। चक्रधरपुर पुलिस के द्वारा चाईबासा रांची मुख्य मार्ग में वाहन की जांच की गई। जांच के दौरान बाइक चालकों के हेलमेट, मास्क और अन्य कागजातों की जांच की गई। बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का चालान काटते हुए वाहनों को जब्त कर थाना में रखा गया। चाईबासा जिला परिवहन कार्यालय में चालान जमा करने के बाद वाहन को छोड़ा जाएगा। वाहन पकड़ाने के बाद कई लोग अपने अपने पहुंच और परिचित लोगों के द्वारा वाहन छुड़ाने के लिए पैरवी करते नजर आए, जबकि पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बाइक जब्त कर चालान काटती रही, जिससे शहर में बिना हेलमेट और कागजात के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों में भय का माहौल बना रहा। वहीं कई वाहन चालक पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सोमवार को 36 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 3063 हो गई है। अब तक 2563 व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 476 है। जिले में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को 96 व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। सोमवार को बंदगांव से 3, बड़ा जामदा से 6, चक्रधरपुर से 4, गोइलकेरा, झिकपानी और खूटपानी से 1-1, जगन्नाथपुर से 2, चाईबासा से 6 और मनोहरपुर से 12 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। आइए एक बार फिर रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूज टाइम्स का प्रयास लाया रंग, NH-75 की दुर्दशा से सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने संसद को कराया अवगत। NH-75 का निर्माण तत्काल कराने की सरकार से रखी मांग। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चल रही है लाभुकों के चयन की प्रक्रिया। 30 सितंबर तक होगा लाभुकों का चयन, 15 नवंबर से शुरू होगी योजना। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान।
मास्क, हेलमेट और अन्य कागजातों की हुई जांच। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।